चार धाम यात्रा दुनिया की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक है। इस यात्रा में शामिल चार मंदिर यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ हैं। इसे छोटा चार धाम यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक और चार धाम है जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए हैं। इसमें देश के चार अलग अलग कोनों में चार पवित्र तीर्थ स्थल शामिल हैं, जैसे उत्तराखंड में बद्रीनाथ, गुजरात में द्वारका, उड़ीसा में पुरी और तमिलनाडु में रामेश्वरम। छोटा चार धाम यात्रा के सभी पवित्र स्थल अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित है। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, यह भगवान शिव को समर्पित है। बद्रीनाथ धाम भगवान बद्री या विष्णु को समर्पित है। गंगोत्री धाम माता गंगा और यमुनोत्री माता यमुना को समर्पित है। हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्त करना ही जीवन का गंतत्व माना गया और ऐसा मानते हैं कि चार धाम यात्रा आपको इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक कदम और करीब ले जाती है। चार धाम यात्रा का हिंदू धर्म में बहुत अधिक धार्मिक महत्व है। यह माना जाता है कि प्रत्येक हिंदू को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार इस तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि चार धाम यात्रा जीवन भर के पापों को धोकर मोक्ष के द्वार खोलती है। और ऐसा कहा जाता है कि जब कोई तीर्थ यात्री चार धाम यात्रा समाप्त करता है तो वह मन की पूर्ण शांति प्राप्त करता है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। यह पवित्र स्थल उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित है। परंपरागत रूप से यात्रा पश्चिम से पूरब की ओर की जाती है। इस प्रकार यह यमुनोत्री से शुरू होती है, फिर गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में जाकर समाप्त होती है। चार धाम यात्रा दुनिया के सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक है। इस यात्रा में शामिल चार मंदिर यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ है। इस यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री से होती है, तो चलिए यमुनोत्री के बारे में जान लेते हैं। यमुनोत्री उत्तराखंड की छोटी चार धाम यात्रा के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। हिंदू धर्म की सबसे पवित्र नदियों में से एक यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। पुराणों और हिंदू धर्म ग्रंथों में यमुना को सूर्य भगवान की पुत्री बताया गया है। ऐसा माना जाता है यमुना नदी पृथ्वी पर सबसे पहले कालिंद पर्वत पर अवतरित हुई थी। इसी वजह से इस नदी को कालिंदी के नाम से भी पुकारा जाता है। यम और शनि देव को यमुना का भाई माना जाता है। यमुना के भाई शनि देव का प्राचीन मंदिर यमुनोत्री के पास स्थित खरसाली में बना हुआ है। यमुनोत्री मंदिर का निर्माण 1919 में टिहरी गढ़वाल के महाराजा प्रताप शाह ने करवाया था। यमुनोत्री में स्थित यह मंदिर देवी यमुना को समर्पित है। यमुना नदी का उद्गम स्थल वास्तव में चंपासर ग्लेशियर है, जो कि समुद्र तल से 4421 मीटर की ऊंचाई पर कालिंद पर्वत पर स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यमुनोत्री असित मुनि का निवास स्थान भी माना जाता है। यमुनोत्री का वर्णन हिंदू धर्म से जुड़े हुए अनेक पौराणिक ग्रंथों और पुराणों में वर्णन किया गया है। इसके अलावा कई पुराणों में गंगा और यमुना को बहन बताकर भी संबोधित किया गया है। महाभारत युद्ध के बाद पांडव जब हिमालय के पहाड़ों में तीर्थ यात्रा के लिए आए थे, तब उन्होंने सबसे पहले यमुनोत्री के दर्शन किए थे। उसके बाद उन्होंने गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन किए थे। इसी वजह से यमुनोत्री को छोटा चार धाम का प्रथम तीर्थ स्थल भी माना जाता है। यमुनोत्री दर्शन के बाद तीर्थयात्री गंगोत्री के दर्शन करते हैं, तो चलिए गंगोत्री के बारे में जान लेते हैं। हिंदू धर्म में हिमालय पर्वत से निकलकर बहने वाली गंगा नदी को गंगा मैया और माँ गंगा कहकर बुलाया जाता है। गंगा नदी को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और पूजनीय मानी जाती है। गंगोत्री इस गंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। उत्तराखंड की छोटे चार धाम यात्रा में से एक गंगोत्री में गंगोत्री मंदिर के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रति वर्ष गंगोत्री आते हैं। उत्तराखंड में उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर की दूरी पर गंगोत्री नाम का एक छोटा सा कस्बा है, जो गंगोत्री मंदिर की वजह से प्रसिद्ध है। कस्बे में बने हुए गंगोत्री मंदिर की वजह से ही इस कस्बे का नाम गंगोत्री पड़ गया। वैसे तो मूल रूप से गंगा नदी का उद्गम स्थल गौमुख है, जो कि गंगोत्री से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमालय के सबसे बड़े गंगोत्री ग्लेशियर में स्थित है। श्रद्धालु गंगोत्री से 19 किलोमीटर का ट्रैक करके गौमुख तक पहुंच सकते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा नदी जब पहली बार स्वर्ग से धरती पर उतरी थी, तब इसी स्थान पर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया था। गंगोत्री में वर्तमान मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने करवाया था, जिसका बाद में पुनः निर्माण कार्य जयपुर के राज परिवार द्वारा करवाया गया था। केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर की तरह ही गंगोत्री मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए प्रतिवर्ष वर्ष में सिर्फ 6 महीने के लिए खुला रहता है। प्रतिवर्ष अप्रैल या मई से लेकर अक्टूबर से नवंबर महीने के बीच श्रद्धालु गंगोत्री मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार
गंगोत्री मंदिर का कपाट श्रद्धालुओं के लिए अक्षय तृतीया के समय खुलते हैं और दीपावली के बाद आने वाले भैया दूज के बाद गंगोत्री मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं। हिंदू धर्म के चार धाम यात्रा में से एक केदारनाथ भगवान शिव के केदारनाथ मंदिर के लिए बेहद ही प्रसिद्ध है। उत्तराखंड के उत्तरी राज्यों में मौजूद इस मंदिर में हर वर्ष कई हजारों लाखों में भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। यह मंदिर महाभारत के पांडवों द्वारा बनवाया गया था, फिर बाद में 8वीं शताब्दी ईस्वी में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा इसका फिर से निर्माण किया गया था। केदारनाथ मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों, चट्टानों, शिलाखंडों से किया गया है। इन शिलाखंडों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक को अपनाया गया है, जिसमें कहीं भी सीमेंट इत्यादि का प्रयोग नहीं किया गया। 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च केदारनाथ धाम की अनोखी कहानी है। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर की रक्षा भैरवनाथ जी द्वारा की जाती है, जिन्हें भगवान शिव के उग्र अवतार के रूप में जाना जाता है। भैरवनाथ का मंदिर केदारनाथ के मुख्य मंदिर के काफी करीब स्थित है। भैरव मंदिर के दर्शन करना आवश्यक होता है, अन्यथा केदारनाथ की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। आदि शंकराचार्य के द्वारा केदारनाथ मंदिर के देखभाल व पूजा अर्चना का कार्य कर्नाटक राज्य के वीरा शैव जगम समुदाय के ब्राह्मणों को सौंपा गया था। तब से यह परंपरा आज तक चली ही आ रही है। इसके साथ ही मंदिर के सभी पूजा अनुष्ठान व कार्य कन्नड़ भाषा में किए जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार केदारनाथ की कथा महाभारत के युगों से जुड़ी हुई है। कुरुक्षेत्र के महान युद्ध के बाद पांडव भगवान शिव की तलाश में काशी की यात्रा करते हैं। उनका इरादा युद्ध से पैदा हुए सभी पापों से मुक्ति पाने का था। महाभारत के युद्ध में विजय होने पर पांडव भ्राता हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वह भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वह उन लोगों से रुष्ट थे, इसलिए भगवान शंकर अंतर ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडव उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। भगवान शंकर ने तब तक भैंसे का रूप धारण कर लिया था और वह अन्य पशुओं में जा मिले। तब भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर दो पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल और भैंसे तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी भैंस पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बल पूर्वक इस भैंसे पर झपटे, लेकिन भैंस भूमि में अंतर ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर भैंस की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। शिव के अन्य भाग पूरे गढ़वाल क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर स्थापित है, जैसे केदारनाथ में कुवड़, तुंगनाथ में हाथ, रुद्रनाथ में चेहरा, कल्पेश्वर में बाल, मध्य महेश्वर में नाभि। तो यह 5 मंदिर है जिनका दर्शन करने के लिए हमें जाना चाहिए। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन के शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते। केदार के दर्शन के बाद तीर्थयात्री भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए निकल जाते। तो चलिए बद्रीनाथ के बारे में जान लेते हैं। बद्रीनाथ मंदिर, जिसे बद्री नारायण मंदिर भी कहा जाता है, उत्तराखंड के बद्रीनाथ शहर में स्थित है। यह राज्य के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से जुड़ी धार्मिक मान्यता है कि मंदिर में जाने वाले व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष प्राप्त करने में मदद मिलती है। मंदिर के ठीक सामने भव्य नीलकंठ चोटी है। मंदिर जोशी मठ से लगभग 45 किलोमीटर दूर है, जो कि एक बेस कैंप भी है। यह मंदिर उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिससे कहा जा सकता है कि इस मंदिर का निर्माण 7वीं व 9वीं सदी में हुआ था। इस मंदिर के आसपास जो नगर बसा हुआ है उसे बद्रीनाथ ही कहा जाता है। यहाँ पर विष्णु भगवान के एक रूप बद्री नारायण की प्रतिमा स्थापित है। यह मूर्ति 1 मीटर लंबी शालिग्राम से निर्मित है। मान्यता है कि इस मूर्ति को आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। इसे विष्णु भगवान की 8 स्वयं प्रकट हुई प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। बद्रीनाथ को अलग अलग कालों में अलग अलग नामों से जाना गया है। स्कंद पुराण में बद्री क्षेत्र को मुक्ति प्रदा कहा गया है। ऐसे में स्पष्ट है कि सतयुग में भी यही इस क्षेत्र का नाम था। त्रेता युग में भगवान नारायण के इस क्षेत्र को योग सिद्ध कहा गया है। द्वापर युग में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन के कारण इसे मणिभद्र आश्रम या विशाला तीर्थ कहा गया है। वही कलयुग में इसे बद्रिका आश्रम अथवा बद्रीनाथ कहा जाता है। जब इस प्राचीन मंदिर के इतिहास की बात आती है तो यह कितने वर्ष पुराना है, इससे जुड़े कोई पुख्ता तथ्य नहीं है।
इतिहास की किताबें कहती हैं कि मंदिर वैदिक युग का है, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। मंदिर का उल्लेख कई वैदिक ग्रंथों पुराणों में मिलता है। यह भी माना जाता है कि मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया था, जो एक भारतीय संत थे। वो 814 से 820 तक बद्रीनाथ मंदिर में ही रहे और बद्रीनाथ के पुजारी शंकराचार्य के वंशज होते हैं। कहा जाता है कि जब तक ये लोग रावल पद पर रहते हैं, ब्रह्मचारी का पालन करना पड़ता है। बद्रीनाथ का मौसम लगभग पूरे साल ठंडा रहता है। इस जगह पर जाने का पीक सीजन मई से जून और सितंबर से अक्टूबर के बीच होता है। गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के लिए यात्रा अक्षय तृतीया से शुरू होती है। केदारनाथ यात्रा की प्रारंभिक तिथि शिवरात्रि पर और बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि बसंत पंचमी के दिन तय होती है। चार धाम यात्रा अप्रैल मई से शुरू होती है और हर साल अक्टूबर नवंबर में दीपावली के आसपास बंद हो जाती है। और यहीं पे हमारा चार धाम का यात्रा समाप्त होता है। और अंत में सबसे अहम सवाल यह है कि चार धाम तक कैसे पहुंचे। चार धाम यात्रा आप हरिद्वार या देहरादून से शुरू कर सकते हैं। यात्रा शुरू करने के दो तरीके हैं, सड़क मार्ग और हेलीकॉप्टर द्वारा। सड़क मार्ग से चार धाम यात्रा हरिद्वार, दिल्ली, ऋषिकेश और देहरादून से शुरू कर सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन इन पवित्र स्थानों से सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है। हरिद्वार सड़क और रेल नेटवर्क के माध्यम से दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। देहरादून से चार धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है। हेलीकॉप्टर सेवा देहरादून से खरसाली तक है, जो यमुनोत्री मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। हरसिल हेलीपैड गंगोत्री मंदिर के निकटतम हेलीपैड है, जो मंदिर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के हेलीपैड भी मंदिर के आसपास ही स्थित है। केदारनाथ में लगातार बढ़ रही लोगों की गतिविधियों से बड़ा संकट खड़ा होते जा रहा है। हिमालय कई नदियों, झरने और प्राकृतिक जल स्रोत का भंडार माना जाता है। हिमालय से बहुत सी नदियां बहती हैं, लेकिन अब हालात बेहद खराब होते जा रहा है। केदारनाथ में बड़ी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं, जो अपने साथ कूड़ा करकट, प्लास्टिक आदि ले जा रहे हैं। यह कूड़ा केदारनाथ धाम के चारों तरफ देखने को मिल रहा है। यह कूड़े का ढेर हमारे भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आपको बता दें कि बुग्याल में प्लास्टिक से लैंडस्लाइड का एक बड़ा कारण है, जिससे आने वाले समय में इसी जगह पर बहुत बड़ी तबाही मच सकती है। टूरिज्म जरूरी है, लेकिन यहाँ की आबो हवा बचाए रखना भी उससे ज्यादा जरूरी है। यह यात्रियों को ही ध्यान रखना चाहिए। जो वह साथ में खाने पीने को लाए हैं, उसको वह साथ ही वापस ले जाने की भी जिम्मेदारी है। तभी पर्यावरण को बचाया जा सकता है और साथ ही चार धाम की सुंदरता भी बनी रहेगी। श्रद्धालु से ज्यादा आजकल लोग वहाँ घूमने के पर्पज से ज्यादा आने लगे, जिससे इन पवित्र यात्रा पे काफी बोझ बढ़ता जा रहा है। और जो सच्चे मन से जाना चाहते हैं, वह वहाँ जा नहीं पाते। भीड़ भाड़ के कारणों और प्रकृति को दूषित करने से हमें फिर से 2013 जैसा दृश्य देखने को मिल सकते हैं। हमें अपने पास्ट से सीखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही देश दुनिया की रोचक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।